नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे बिल वाउचर को सबमिट कैसे किया जाता है। सभी प्रकार के ऑफिस में छोटे बड़े खर्च होते रहते हैं और ऑफिस संचालन करने के लिए जहां से हमें सामग्री प्राप्त होती है या तो हम जहां से सामग्री की खरीदारी करते हैं वहाँ से हमें बिल भी प्राप्त होती है, जिसे हम एक फाइल में पंच करके रखते हैं, जिससे हमें भविष्य में लेन देन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ हमें ऑफिस रजिस्टर मेंटेन करने में भी आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं प्राप्त बिल का वाउचर संधारण कैसे करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये किसी फॉर्म से प्राप्त सामग्री बिल है जिसमें कॉपी की खरीदारी की गई है। इस बिल का हमें वाउचर मेंटेन करना है, तो इसे हम देखते हैं वाउचर मेंटेन करके। ये हमारा पेमेंट वाउचर है। इस वाउचर में हम सिर्फ खर्च से संबंधित बिल अटैच करेंगे और कहीं से अगर हमें रिसिप्ट बिल प्राप्त होती है तो उसे हम क्रेडिट वाले वाउचर में सबमिट करेंगे। तो इस वीडियो में हम डेबिट वाउचर को मेंटेन करके देखते हैं। सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर पर वो डेट लिखते हैं जिस डेट में हमने सामग्री के एवज में उसे पेमेंट किया है। जैसे मान लीजिए सामग्री हमने 23/2/2023 को सामग्री प्राप्त की, लेकिन उसका भुगतान हमने 28/3/2023 को कर रहे हैं, तो वाउचर पर हम 28/3/2023 लिखते हैं। फिर जिस बैंक के द्वारा पार्टी को भुगतान किए हैं उस बैंक का नाम बैंक वाले कॉलम में, वाउचर नंबर कॉलम में वाउचर सीरियल नंबर यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए हमारा वाउचर सीरियल नंबर 130 है। फिर कैशबुक फोलियो कॉलम में कैशबुक के जिस पृष्ठ पर इसे संधारण किया गया है उसकी पृष्ठ संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए इसे हमने कैशबुक के पृष्ठ संख्या 70 पर मेंटेन किया है, तो ये पृष्ठ संख्या कैशबुक फोलियो के जगह लिख देंगे। नीचे आते हैं, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस में खरीदारी की गई सामग्री का डिटेल्स यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमने कॉपी की खरीदारी की, जितनी पीस कॉपी हमने खरीदारी की है उसका डिटेल्स हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमने कितने पीस कॉपी खरीदारी की है, 200 पीस, किस रेट में, 44 रुपये। तो लिखते हैं कॉपी 200 पीस एट द 44 रुपीस, टोटल जितना होगा उसे टोटल कॉलम में लिख देंगे। जैसे यहाँ टोटल 8800 रुपया आया है तो 8800 टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर एक्टिव कोड में जिस हेड के द्वारा भुगतान किया गया है उसकी संख्या को यहाँ लिखेंगे। कॉपी को हम स्टेशनरी हेड में दिखाते हैं, तो मान लीजिए TLM स्टेशनरी का हेड 3 है, तो एक्टिव कोड में हेड रिकरिंग 3 लिखते हैं और हेड ऑफ अकाउंट के नीचे टाइप ऑफ हेड लिखेंगे। फिर हमें देखना है कि हमने पार्टी को कैश भुगतान किया है या DD या चेक के माध्यम से या PFMS के माध्यम से भुगतान किया है। अगर हमने PFMS के माध्यम से भुगतान किया है तो उस PFMS के ऑफिस ऑर्डर एवं डेट यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए ऑर्डर नंबर ये है। फिर अमाउंट को शब्दों में लिखेंगे, जैसे 8800। जिस पार्टी को हमने भुगतान किया है उसका नाम और जिसके लिए भुगतान किया है उसका डिटेल्स नरेशन वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे हमने ट्रेनी के लिए भुगतान किया है तो परचेज ऑफ कॉफ़ी फॉर ट्रेनीज, हमने बिल सबमिट किया है इस वाउचर के साथ, तो हम इसे एज पर बिल अटैच लिख देंगे।
ऐसे ही सभी प्राप्त बिल को वाउचर में अटैच्ड करके इंडेक्स फाइल में पंच करते चले जाएंगे।